आगरा मेहर टॉकीज के अंदर घुसे योगी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता, प्रदर्शन कर दी पठान फिल्म ना लगाने की चेतावनी। मेहर टॉकीज पर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के पोस्टरों को किया आग के हवाले, हॉल में चिस्पाया नोटिस। आगरा, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आगामी फिल्म पठान को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। फिल्म के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस फिल्म के एक गाने में दीपिका पादुकोण की भगवा बोल ड्रेस और गाने के बोल बेशर्म रंग को लेकर देश भर के हिंदू संगठनों और साधु संतों में आक्रोश व्याप्त है। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि फिल्म पठान के माध्यम से करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है और सार्वजनिक तौर पर अश्लीलता और नग्नता का प्रदर्शन किया गया है। इसी को लेकर रविवार को योगी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर एवं युवा जिला अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह राघव के नेतृत्व में मेहर टॉकीज पर जोरदार नारेबाजी करते हुए शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के फोटो पोस्टरों को जलाकर फिल्म पठान का विरोध किया। वहीं योगी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने मेहर टॉकीज पर एक नोटिस भी चस्पा किया है कि अगर हॉल में पठान मूवी लगी तो हॉल का नक्शा बदल देंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी टॉकीज संचालक की होगी। यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर का कहना था कि बॉलीवुड के द्वारा लंबे समय से हिंदू धर्म को निशाना बनाया जा रहा है। लगातार बॉलीवुड कलाकारों द्वारा हिंदू देवी देवताओं को लेकर अपमानजनक फिल्में बनाई जाती हैं, जो कि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय और सेंसर बोर्ड को भी हिंदू भावनाओं का ख्याल रखकर फिल्मों को रिलीज करने की अनुमति देनी चाहिए। वहीं आगे अजय तोमर ने कहा कि फिल्म पठान को किसी भी कीमत पर आगरा के किसी भी सिनेमा हॉल में नहीं चलने दिया जाएगा। सभी सिनेमा हॉल की तालाबंदी कर दी जाएगी। ब्रज क्षेत्र महामंत्री युवा रोहित पाराशर, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र धाकड़, अर्जुन उपाध्याय, मनीष शर्मा, नरेश प्रजापति, खेमचंद धाकड़, रोहित कुमार, जितेंद्र धाकड़, सुमित भोला, अमरनाथ शाह, श्यामवीर कश्यप, सोनू शर्मा, अमित लालवानी, रवि चौहान आदि मौजूद रहे। आगरा से एडी न्यूज 15 सच आप तक के लिए फैजान उद्दीन की खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहे हर खबर के लिए। नाम बताएं। अमरनाथ झा, योगी यूथ ब्रिगेड, जिला महामंत्री आगरा। क्या क्या कुछ हुआ है यहाँ पर? हमने पठान मूवी को लेकर के धरना प्रदर्शन किया है और हमने हर टॉकीज को एक चेतावनी के रूप में अपना धरना प्रदर्शन जो है दिखाया है कि आगरा की टॉकीजों के अंदर ये जो अश्लील मूवी है पठान मूवी, इसको ना चलाया जाए और इसको यहाँ रिलीज ना होने दिया जाए आगरा के अंदर। इसके अंदर हमारा भगवा कलर की जो बिकनी पहनी हुई है दीपिका पादुकोण ने, वो बहुत ही शर्मसार कर देने वाली जो बिगनी है, ये नहीं होनी चाहिए। और दूसरा बात यह है कि इसके अंदर नग्नता दिखाई हुई है, ये जो हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए खतरनाक है, चाहे कोई भी समाज हो। हम किसी ये नहीं कहेंगे कि एक धर्म के ऊपर लेकर के कोई टिप्पणी करें, लेकिन नहीं करेंगे। हर समाज हर वर्ग के लिए खतरनाक है, इसे हम सबको देखना चाहिए। हर जगह हर सबको धरना प्रदर्शन इसके खिलाफ करना चाहिए और इस मूवी को बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए। अगर लगी मूवी तो किस तक चाहेंगे? अगर ये मूवी आगरा में रिलीज होती है किसी टाइम पर, तो हम इससे भारी संख्या में आकर के और धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या हुआ है आज? आज हमें मेहर टॉकीज के जो संचालक है उनकी तरफ से अनुमति मिली है और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हमारी मेहर टॉकीज के अंदर हम इस मूवी को नहीं चलाएंगे। अजय तोमर, प्रदेश अध्यक्ष योगी यूथ ब्रिगेड, धर्म रक्षा ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश। प्रदर्शन ये आपको ज्ञात होगा, पठान मूवी आ रही है जो कि 25 जनवरी को जिसकी रिलीजिंग डेट है। पठान मूवी के माध्यम से हमारे शौर्य और पराक्रम और हमारे साधु संतों का प्रतीक भगवा का अपमान किया गया है। दीपिका पादुकोण भगवा धारण करके और नग्न अवस्था में उसमें जो है नाच रही है शाहरुख खान के साथ में। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने हमारे सनातन हिंदू धर्म को, करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है। समय समय पर बॉलीवुड द्वारा ऐसा कृत्य किया जाता है जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हों। कहीं ना कहीं इसमें सेंसर बोर्ड की भी गलती है। सेंसर बोर्ड को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि जो भी अश्लील मूवी होगी, जो भी हिंदू विरोधी मूवी होगी, उसे रिलीज करने की अनुमति ना दी जाए, अन्यथा संगठन उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। हमने यहां मेहर टॉकीज पर आज प्रदर्शन करके चेतावनी दी, एक नोटिस भी चस्पाया है कि अगर इस टॉकीज में अगर पठान मूवी लगी तो हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। और इसको जवाब में
टॉकीज के जो संचालक हैं उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि हमारे इस मूवी को नहीं लगेगा। यही आशा करते हैं कि आगरा के किसी भी सिनेमा हॉल में ये मूवी ना लगे, अन्यथा संगठन तैयार बैठा हुआ है नक्शा बदलने के लिए। हिंदू विरोधी मानसिकता वाले कलाकारों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बात सिर्फ भगवा की नहीं, बात अश्लीलता की भी है कि आप समाज को ऐसी मूवियों के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या हमारी युवा पीढ़ी जो है नग्नता और अश्लीलता देखेगी? क्या संदेश जाएगा? ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अब हिंदू जागरूक हो चुका है, देश की जनता जागरूक हो चुकी है। वो वक्त कुछ लगता है, ये वक्त कुछ अलग है, अब ये चीजें नहीं चलेंगी।